का स्वागत है। तो चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं आईसीआई के उद्घाटन कार्यक्रम में, जहां पर सीएम गहलोत वर्चुअली संबोधित कर रही हैं। ये लगातार आगे बढ़ता रहे। मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब से, वो आए और हमको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय अशोक गहलोत साहब, श्री नीलेश गुप्ता जी चेयरमैन सीआईआरसी, अतुल अग्रवाल जी वाइस चेयरमैन, शशिकांत जी सेक्रेटरी, दिनेश कुमारी जैन ट्रेजरर, आशीष गुप्ता जी, धीरेज गोयल जी, सुनील सेठिया जी, गिरीश आहूजा जी, राजेश गुप्ता जी सेक्रेटरी सीएम, एम एस बीसी से जुड़े हुए तमाम राजस्थान व अन्य राज्यों के तमाम हमारे प्रोफेशनल्स, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल के उप क्षेत्रीय सम्मेलन में मुझे भी आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला। मैं आयोजकों का आभारी हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया। हम सब जानते हैं कि देश आजाद हुआ के साथ साथ में जो संस्थाओं का निर्माण हुआ उसमें एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया भी है। पंडित नेहरू ने दूरदृष्टि रखते हुए उस वक्त जो कल्पना की थी इस मुल्क की, मुल्क के भविष्य की, उसके कारण ही संभव हुआ कि उस जमाने में 49 के अंदर संसद बन जाए। तो आप सोच सकते हैं कि चार्टर अकाउंटेंट एक्ट बनना उस वक्त में इस बात का प्रमाण है कि चार्टर अकाउंटेंट का महत्व क्या है समाज के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, औद्योगिक विकास के लिए। पूरी अर्थव्यवस्था देश की टिकी हुई है इस संस्था पर। सीएनएजी के माध्यम से आप देखते हैं कि उसका क्या महत्व है देश के अंदर। जिस प्रकार पूरे देश की इकोनॉमी सभी विभागों की, और किस प्रकार से चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएनएजी जो काम करते हैं, मैं खुद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर रहा हूं 80 के अंदर। बना तब मैं पीएसए का मेंबर था, तो मुझे इसका एहसास इस बात का है कि आपका क्या महत्व है। और इस अब जो आज प्रोग्राम हो रहा है उसमें करीब 500 जुड़े हुए लोग राजस्थान के, और मुझे बताया गया यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड के भी प्रोफेशनल जुड़े हुए हैं। मैं अपनी ओर से और राजस्थान प्रदेश जनता की ओर से उन तमाम साथियों का जो पूरे देश के कोने कोने जुड़े हुए हैं प्रोफेशनल, उन सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज 164 शाखाएं आपकी है और 44 चैप्टर मैंने सुना विदेशों के अंदर भी है, और ये संस्था में से एक्टिव भी रही है। आपके चुनाव भी होते हैं मुझे मालूम है, आप भी हमारी राजनीति की तरह घूमते हैं पूरे देश के अंदर वोट मांगने के लिए और आपके अंदर भी वो भावना रहती है कि हम भी इलेक्ट होकर के आके इस संस्था के माध्यम से सेवा करें। मुझे भी जानकारी मिली कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स के बाद में ये आईसीएआई जो है सबसे बड़ा प्रोफेशनल अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है। ये बड़े गर्व की बात है दुनिया के अंदर हम कहाँ स्थान रखते हैं ये बताया गया। और 7 दशकों में भी प्रोफेशनल्स एक के बाद एक आपने अव्वल दिए हैं। आप सब को जानकारी भी होगी राजस्थान भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में आगे है देश के अंदर, और जिस शहर से मैं आता हूं जोधपुर से वो देश के अंदर सबसे नंबर वन पर रहा है। जो है फर्स्ट पोजीशन जो आए हैं पूरे देश भर में वो जोधपुर के लोग आए हैं लंबे समय तक। इसलिए मुझे तो गर्व हो रहा है कि आज मैं आप लोगों के बीच में बैठा हुआ बात कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि जितना उद्योग बढ़ेगा
उद्यमी बनेंगे, व्यापार बढ़ेगा, उतने अपना चार्ट अकाउंटेंट्स की प्रोफेशन वो आगे भी आएंगे और अपना कंट्रीब्यूट भी करेंगे। सरकार हर बजट में कुछ कुछ चेंज करती रहती है। एक व्यापारी के लिए, उद्यमी के लिए ये संभव नहीं है कि वो सब की जानकारी डिटेल में ले सकें। इसलिए आपकी भूमिका तो बहुत बड़ी भूमिका है, किस प्रकार एक तरफ सरकार की रेवेन्यू बढ़े और दूसरी तरफ जो आपके कंज्यूमर है या जो आपके उद्यमी हैं उनका आप गाइड कर सकें। और वो काम मैं समझता हूँ कि आप लोग बखूबी कर रहे हैं। देश में आपकी आपके फर्म्स, कई तरह की फर्म जो हैं वो बड़ी मानवीय फर्म्स है देश और दुनिया के अंदर। चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो फर्म्स होती है जिसमें के लोग काम करते हैं, तो ये तमाम बातें हम सब की जहन में हैं। और अब तो ई कॉमर्स के साथ में जो ये डिजिटल करेंसी का मामला आ रहा है, बिटकॉइन आ रहा, पता नहीं क्या क्या हो रहा है देश के अंदर, तो आपकी भूमिका और ज्यादा बढ़ने वाली है। जीएसटी आ गया, उसके पहले वैट था, तो समय समय पर हम लोग भी एमनेस्टी स्कीम निकालते रहते हैं। अभी भी हमने कई एमनेस्टी स्कीमें निकाली और आप सब ने उसका स्वागत भी किया है। अभी मैंने प्री बजट मीटिंग करी है, उसमें हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथियों ने भाग लिया, अच्छे सुझाव दिए। हम कोशिश करेंगे उन सुझावों को अगले बजट के अंदर हम लोग किस प्रकार स्थान दे सकें, जिससे कि हमारा बजट जो आने वाला है, मैं समझता हूँ कि उसके माध्यम से हम लोग अगर उन समावेश करेंगे सुझावों को, उसका लाभ यहाँ के उद्यमियों को मिलेगा और आर्थिक गतिविधियाँ और बढ़ने में हमें सहयोग मिल सकेगा। ये भी खुशी की बात है, गंगानगर में आप लोग एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक स्थान का भी अपना एक, कहाँ तो राजधानी जयपुर, कहाँ गंगानगर पाकिस्तान के बॉर्डर पर, वहाँ भी जाके आप एक मैसेज दे रहे हो। प्रोफेशनल जो हैं यहाँ हिंदुस्तान भर के प्रोफेशनल को आपने जोड़ दिया गंगानगर, एक महत्व तो भी रहा है। आप सब जानते हैं कि किस प्रकार के महत्व से हम देखते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि अब्दुल कलाम साहब ने बात कही थी, सीए इज द पार्टनर ऑफ नेशन बिल्डिंग। वो ऐसे व्यक्तित्व थे कलाम साहब, उनके मुंह से बात निकलना आप लोगों के बारे में, ये नेशन बिल्डिंग के साथ में, तो आप सोच सकते हो कि समाज में आपकी क्या प्रतिष्ठा है। आपका कोर्स बड़ा टफ हुआ करता था, आज आजकल पता नहीं क्या है, कोई जमाने में मानते थे कि बहुत टफ कोर्स है, अब भी ऐसा नहीं। पर जब हम लोग पढ़ते थे कॉलेज के अंदर, तब लगता था कि हमारे साथी सीए कर रहे हैं वो बहुत टफ कोर्स है। आज भी वही स्तर मैनेज किया हुआ है सर, और अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम के ऊपर एक कमेंट किया था और उनको अप्रिशिएट किया था, और एडवोकेट्स को भी बताया था कि किस तरह से आईसीआई अपना एग्जाम कंडक्ट करता है। सॉरी सर, सॉरी टू इंटरप्ट। सर ये वर्ल्ड टफेस्ट कोर्स, गूगल पे वर्ल्ड टफेस्ट कोर्स सर आज भी है। आपके जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तब आप और व्यस्त हो जाते हो, और कितने व्यस्त हो ये बीसी में दिख रहा है। अधिकार लोग कारों में चलते हुए ऋषि में भाग ले रहे हैं। क्या मतलब है कि आपका कमिटमेंट है इसलिए आप भाग भी ले रहे हो, चाहे चलते हुए गाड़ी में भी क्यों नहीं हो, इतने व्यस्त आप लोग हैं, इस बात का एहसास हम सबको। इतने में अब क्या लंबी बात करूं, आप तो सब एक्सपर्ट बैठे हैं एक से बढ़कर के। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मुझे विनोद राय याद आते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नहीं थे, ब्यूरोक्रेट थे, पर सीएनएजी थे वो जब बनाया गया था, और जब यूपीए गवर्नमेंट ने शानदार काम किए थे उस वक्त में, एहतियात बनाया था देश के अंदर, आरटीआई दुनिया में कहीं नहीं था, ये राइट इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी क्रांतिकारी कदम था। नरेगा में पार्लियामेंट ने कानून बना के लोगों को रोजगार का अधिकार दिया, रोजगार अधिकार आधारित युग की शुरुआत हुई थी यूपीए गवर्नमेंट में, जब चाहे वो नरेगा हो, चाहे आरटीई हो, राइट टू एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, ये कोई मामूली बातें नहीं थी।
और ये जो मोबाइल और राजीव गांधी का सपना था 21st सेंचुरी का, कंप्यूटर मोबाइल कार, दुनिया मुट्ठी में है, आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है। जो जानकारी है, क्योंकि आपका तो विषय ही बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है उसमें, तो उसके अंदर कितनी तरह की आप सोच सकते हो कि एक कंप्यूटर के माध्यम से आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, जानकारी प्राप्त कर सकते हो और कर रहे हो। गूगल और जो कुछ भी उसमें है, बच्चे तो हमसे आगे हैं। तो ये जमाना जो है राजीव गांधी का सपना था उसमें आया था, और उसी रूप में कानून ऐसे बने पार्लियामेंट के अंदर उस वक्त में, फूड सिक्योरिटी का, गरीबों के 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, RTE बन गया, राइट टू एजुकेशन, नरेगा में आप देखते हो कि जो माइग्रेंट फिर रहे थे कोरोना के अंदर, क्या स्थिति हुई देश के अंदर। राजस्थान ने बहुत अच्छा काम किया उस वक्त में, शायद आप लोग भी तायद करेंगे। परंतु जिस रूप में महसूस किया हम लोगों ने कि उस वक्त में जब UPA गवर्नमेंट चल रही थी और इतने अच्छे से काम हुए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा विद्वान व्यक्ति था जिसकी दुनिया लोहा मानती, दुनिया के मुल्कों में जब कभी चर्चा होती थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में एक अलग तरह का औरा बना हुआ था दुनिया के अंदर भी, वो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर थे। तो विनोद राय ने जिस प्रकार से 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया 2G स्पेक्ट्रम में, कोल गेट में, पता नहीं क्या क्या बोल दिए। अभी मैंने बड़ा अखबार में 15-20 दिन पहले उन्होंने माफी मांगी है संजय निरुपम से, वहां लिखित में माफी मांगी है। तो आप बताइए, जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी के पद में बैठे हुए हों और वो अगर ये स्थिति बनने बन जाए, इसके माने कि वो चार्ट अकाउंटेंट नहीं थे पर काम तो वो उसी ढंग का कर रहे थे, हेड कर रहे थे CNAG को। आप बताइए, वो अगर उनके बोलने मात्र से देश के अंदर हवा बन गई हमारे खिलाफ में, UPA गवर्नमेंट के खिलाफ में, तो आप अपनी जिम्मेवारी तो समझते ही हैं, पर आप कल्पना कीजिए कि आपकी कितनी बड़ी क्रेडिबिलिटी है समाज के अंदर। क्या झूठे आरोप लगाया उसने? एक बार तो देश ने मान लिया कि मिस्टर विनोद राय ठीक बोल रहे हैं, UPA गवर्नमेंट बहुत बड़े करप्शन हो गए, वो 1,76,000 करोड़ के, और सरकारें बदल गई। तो मैं इसको इस रूप में मानता हूं कि आप लोगों की क्रेडिबिलिटी तो बहुत बड़ी है, एक बार चार्ट अकाउंटेंट कोई बात कह दे तो लोग मानते हैं भाई कि चार्ट अकाउंटेंट का तो ऑडिट करके कहा होगा, तय तक पहुंचे होंगे, बारीकी से अध्ययन किया होगा, तब जाके बात कह रहा है। इतनी बड़ी आपकी विश्वसनीयता बनी हुई देश के अंदर। तो मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूंगा, कृपा करके देश हित के अंदर आप अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाए रखें और बढ़ाएं, मजबूत हो, आपकी सरसता मजबूत हो, इस प्रकार के संबंध होते रहें, इंटरेक्शन होते रहें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब ये आपका जो क्षेत्रीय सम्मेलन चल रहा है उसमें जो आप लोग डिस्कशन करेंगे और फैसले करेंगे वो आपके प्रोफेशन में दूरगामी परिणाम देश हित में देंगे, देश की अर्थव्यवस्था के लिए देंगे, और इंडिविजुअल जो उद्यमी है, कॉर्पोरेट फर्म है, उन सबके लिए आप लोग एक नए आयाम और कीर्तिमान आयाम आप लोग स्थापित कर पाएंगे। यही बात कहता हूं, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही है सर आपका? आवाज नहीं आ रही आपकी?